प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में महान एथलीट मिल्खा सिंह को याद किया। आज 78वीं बार अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने मिल्खा सिंह का जिक्र कर कहा कि बात ओलंपिक की हो रही हो तो मिल्खा सिंह जी को कौन भूल सकता है। मन की बात कार्यक्रम में मिल्खा सिंह को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बात टोक्यो ओलंपिक की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे महान एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। पीएम मोदी ने कहा, वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी। लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है, 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ संकल्प और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल करके आते हैं। टोक्यो जा रहे हमारे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल है जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों, मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूं, हमें जाने अनजाने भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है, हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। गौरतलब है कि बीती 19 जून को 91 वर्षीय फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के एक अस्पताल में निधन हो गया था। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन की खबर से देश दुनिया में मायूसी छा गई थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित देश दुनिया की हस्तियों ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।